हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 9.2 सॉल्यूशन। फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स 4, 7, p। ये मोनोमियल्स है। देखो, आपको पहले से ही बताया गया है कि दोनों इसमें मोनोमियल्स है, तो प्रोडक्ट मीन्स क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 × 7p × 4 दैट विल बी इक्वल टू। अब हमें ये कैसे करना होता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 4 = 28, उसके बाद क्या है, पी एज इट इज। देन इसमें देखिए, -4p ब्रैकेट में इंटू 7p, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 = 28 माइनस में, ठीक है, माइनस के साथ कुछ नहीं करना है, जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा पी। देन -4p × 7pq। यहाँ पे देखिए, मैंने ये चीज छोड़ दी, यहाँ पे भी p है और इधर भी p है। अगर p और p को मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 2 हो जाती है। पावर्स को हम ऐसे करते हैं। देन 7 × 4 = 28 माइनस एज इट इज p, यहां भी p है तो p स्क्वायर और q एज इट इज। देन 4p³ × -3p, 4 × 3 = 12, यहां पे साइन माइनस और p 3 एंड यहां पे क्या है 1, 3 + 1 = 4। देन 4p × 0, 4 × 0 = 0p। अब 0p क्या होता है, 0। ओके, इसको डायरेक्ट 0 भी नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली मींस फर्स्ट लेंथ है ये, ब्रेथ है। अब इसके लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे p × q, दैट विल बी इक्वल टू pq। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 10m × 5n, दैट विल बी इक्वल टू 10 × 5, 50mn। देन 20x² × 5y² दैट विल बी इक्वल टू 20 × 5, 100x² y² देन 4x × 3x² दैट विल बी इक्वल टू 4 × 3 = 12। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 पार, यहाँ 2 पार, x² / 3। देन 3mn × 4np, 4 × 3 = 12 m एज इट इज, यहाँ पे n और n, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, n² p। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइप से गिवन है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, ये अपने आप से आप फिल करेंगे। एक बार बता देती हूँ कैसे करना है, ये इस टाइप से है, ये इसमें आपको कैसे करना होगा, -5y है इधर, जो 2x है उसको करोगे 2x के साथ, पहले 2x लो, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x को 2x से किया तो 4x² / 2, फिर 2x को करना है -5 से तो -10xy, फिर 2x को करना है 3 से, 3x² से 6x³, ऐसे जितने भी है ऐसे करोगे। फिर क्या करोगे, जो सेकंड है सेकंड में भी ऐसे करना है, ये उठाना है -5x, इसको मल्टीप्लाई सबके साथ करना है, 5 × 2 = 10, -10xy, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 = 25y², देन -15x² y, ठीक है, ऐसे सॉल्व करिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप से करेंगे, मैं सिर्फ एक पार्ट करके बताती हूँ आपको। सिर्फ ऐसे करना है आपको, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं 5a इंटू 3a² इंटू 7a4। ये इंटू बिल्कुल छोटा लगाइए आप, क्योंकि कई बार क्या करते हो बहुत ज्यादा लेंदी बना देते हो और सोचते हो कि ये एक्स गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कि कैसे होगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। यहाँ ए की पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ ए की पावर 4, बेस सेम होता है, पावर को हम ऐड करते हैं। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, a रेज टू पावर 7। ओके, आपको ऐसे सोल्व करना है। एक और देख लो, थर्ड पार्ट, इसमें गिवन है एक्स वाई 2x² y एंड 2xy² सो वॉल्यूम इसमें कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई इंटू, अब ये देखो ये एक्स वाई और ये एक्स एक जैसा दिखेगा आपको, 2x² y इंटू 2xy² तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ, और डॉट का मतलब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, आप लोग चाहे तो लगाइए, नहीं तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई के लिए है, ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज कर रही हूं मैं। दैट विल बी इक्वल टू, पहले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4। नाउ इसमें देखते हैं पार को आपको ऐड करना है, यहाँ इस एक्स की पार 1, यहाँ 2, यहाँ पे 1, तो कितनी हो गई ये 1 2 3 4, x रेज टू पावर 4। देन वाई की पार देखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो वाई की पार भी 4। ओके, रिमेनिंग पार्ट्स यू डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सो करते हैं इसको। एक्स वाई इंटू, अब इंटू के लिए मैं डॉट यूज कर रही हूं, वाई जी इंटू जी एक्स, यहाँ पे ये क्या आएगा, एक्स की पावर यहाँ 1, यहाँ पे 1, तो x रेज टू पावर 2, देन वाई 2 एंड जी 2। ओके, यहाँ पे ए, यहाँ पे इंटू यूज कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है, ए क्यू, यहाँ पे 1 पार है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस में आएगा, माइनस ए रेज टू पावर 3 प्लस 2 5 6। ओके, ऐसे सॉल्व करना है आपको, एम माइनस एम एन पी, दिस इज फिफ्थ पार्ट, एम इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, कैसे करेंगे, एम रेज टू पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितनी होगी टोटल, और यही माइनस में है तो माइनस एम रेज टू पावर 3, देन एन रेज टू पावर 1 2 एंड पी, दिस इज आवर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and have a great day.